Good afternoon. I should be more nervous, because kyunki... okay, first things first. I have been given the exemption that I will not If I speak in Hindi, so that is what I am going to do. It is going to be a blend of Hindi and English, so that it becomes more interesting for you guys and you find it more relatable. so uh, next slide please i would want to share or rather ask a question ki yaar kaun hai introvert are you guys introverts how many of you are introverts please i would want you guys to raise your hands ab bhai itna nahi pura <laughs> ab isme introversion kya hai yaar okay a lot of you are introverts and what if i ask you are you really introverts या फिर अगर बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हें कॉल करे तो तुम घंटों बात कर सकते हो आई यू एंडी एम्बीवर्ड्स और इंट्रोवर्ड्स एम्बीवर्ड्स ओके हमारे बीच ना कुछ ऐसे प्रजाति भी हैं हुचुअली हु वु रिसीव अ कॉल दे वुड लुक एट देयर फोन्स एंड दे वुड स्माइल वेल द कॉल इज गोइंग ऑन एन्जॉइंग द रिंग टोन उठाएंगे नहीं किसी का भी हो आई यू दैट कैंड अ पर्सन हु इज़ देअर येस आई नो इट नेक्स्ट लाइट प्लीज सो हेयर गाइज वी आर गोइंग टू हैव दिस स्पीच फ्लो क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है हम इस बड़े प्रॉब्लम को भी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे फर्स्ट मेरे जीवन की कुछ स्टोरीज वेर यू विल ट्राई नॉट टू क्राई क्योंकि हर एक स्टोरी इमोशनल होती है हर किसी की एम बी ए में क्या है खास हेयर वी विल अंडरस्टैंड कि वॉट इज वॉट सेट्स एम बी अपार्ट हर कोई दूसरे दूसरे स्टीम्स से एम बी ए ज्वाइन क्यों करता है राइट right?

I am dark still. Ab, jata tha? I don't know. I was bullied. I was uh, basically, I accusation kar ra, but I was physically harassed as well to some extent. Hoti thi. I was pushed. I was hit. because I was considered as a degraded citizen of the esteemed class that I was attending. So, okay. I was uh, bullied to that, because of which I had a very low amount of self-esteem. मेरा सेल्फ स्टीम वो सो लो कि मैं क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता था आई वॉज अशेम्ड कि यार क्या बोलूँ मैं अभी कि अभी मैं कुछ बोलूंगा पीपल आर गोइंग टू लाफ रिगार्डलेस ऑफ वेदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग राइट तो <laughs> ऐसे ही करते करते कैसे कैसे टेंथ पास किया मैंने इट वॉज इन डिसेंट मार्क्स उसके बाद एलेवेंथ टू ट्वेल्थ टेंथ पास होने के बाद मतलब टेंथ तक मुझे लोग बताते थे कि यार यू नो you know, टेंथ कर ले बेटा उसके बाद तो सब कुछ चिल है उसके बाद यू कैन एंजॉय तो टेंथ हुआ तो हमारा भाई एंजॉय करने लगा <laughs> उसके बाद ट्वेल्थ आया एंड फिर लाइफ ने मेरे साथ एंजॉय कर लिया सो वॉट हैपन्ड दैट डिसेंट मार्क्स आए ठीक ठाक बट नॉट दैट डिसेंट कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में जा सकूँ गया था मैं कॉलेज में अच्छा था कि नहीं पता नहीं सो आई वेंट टू अ टायर फोर कॉलेज एंड वॉट हैपन्ड व टायर फोर कॉलेजेस में देर आर नो रूल्स तुम जो करना चाहो कर सकते हो देर वॉज नो डिसिप्लिन ऑब्वियसली पढ़ाते थे क्या पढ़ाते थे नहीं पता आफ्टर विच ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन कॉलेज जैसे मैंने बोला टायर फोर से किया था मैंने एंड आफ्टर विच देर वज नो डिसिप्लिन आई कुड नॉट स्टडी वेल एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वॉट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ क्या यही करना है विल पीपल कीप ऑन लाफिंग एट मी लाफिंग एट यू एंड लाफिंग विथ यू इज डिफरेंट सो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि चलो ठीक है लेट वी डू समथिंग आई स्टार्ट क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल्स आई ट्राई टू डू एवरीथिंग क्योंकि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना था आई वॉन्टेड टू डू समय ओन जिसकी वजह से लोग मुझे पहचाने सो वॉट आई डिड वॉज आई ट्राई टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर आई फेल्ड मोर देन लाइक किता पता नहीं फिफ्टी सिक्सटी टाइम्स प्रोबेबली आई क्रिएटेड डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आई क्रिएटेड डिफरेंट आई अपलोडेड डिफरेंट कंटेंट आई ट्राई टू रिसर्च ऑन डिजिटल मार्केटिंग आई ट्राई टू रिसर्च ऑन यूट्यूब प्राइमरीली यूट्यूब फिर इंस्टाग्राम पर आई जी टी वी आया दैट वॉज अ वेरी शॉर्ट लिव फीचर वो भी ट्राई किया पीपल स्टिल लाव टेट मी इन द कमेंट्स उसके बाद मेरा फिर सेल्फ एस्टीम गिर गया एज लाइक नहीं भाई यह नहीं है मेरे लिए सो आई स्टडीड हार्ड I went uh, through CMAT into Wellington Institute of Management, Mumbai. And that actually changed my life. So, Q, you will Next slide. First things first, uh, what is the difference between influencer and working professional? If you are given a choice to become an influencer, would you be that? कितने लोग होंगे जिनको अगर एक पर्सनल ब्रांड बनाना का मौका मिले सो यू वुड डू दैट कि तुम लोग को ऐसी कोई स्टेज पे ऐसे ऑनर करके बुलाए तुम्हारे अचीवमेंट्स को ऐसे प्यार से दिखाए इतना यू नो यू गेट सो मच रिस्पेक्ट सच लवली पीपल दे आर दे आर डूइंग सो मच फॉर मी आई फील ग्रेटफुल ये हो सक कुछ फ़ायदे यू गेट इन सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर स्पॉन्सरशिप्स भाई तुम एक पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट स्पेंड करते हो टू मेक एक वन मिनट का वीडियो एडिट इट यू शो इट टू देम एंड इन सम टाइम यू वुड गेट लाइक मनी ही मनी डिपेंडिंग ऑन वट योर फॉलोअर बेसिस फेम ऑब्वियसली वेन एवर यू गो समबडी एटलीस्ट वन और टू पीपल फॉर मी एटलीस्ट दे विल कम एंड टॉक टू मी दे लाइक अच्छा तुम एम बी कॉन्सेप्ट फॉल्य हो ना आपने वही किया है रील बनाया है अच्छा अच्छा ठीक है यू गेट दैट ब्रांड बिल्डिंग नाउ इफ आई मतलब आई डोंट हैव टू अप्रोच कंपनीज नाउ ठीक है दैट इज़ वन थिंग नाउ कंपनीज कम टू मी एंड टॉक टू मी ऑब्वियसली आई अप्रोच तकसीला बिजनेस स्कूल बिकॉज आई फेल्ट दैट इट इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म टू शो केस माई स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस सो या दैट इज अ डिफरेंट थिंग नाउ अगर किसी को वर्किंग प्रोफेशनल बनने का मौका मिले तो वुड यू लाइक टू डू दैट तीन चार पाँच ओके भाई सब उठाओ एमबीए कॉलेज में हो प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं ओके लॉट ऑफ पीपल तो कुछ फायदे स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ सो आप इसके नुकसान भी समझ सकते हो इन्फ्लुएंसर के ठीक है सो स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ कि तुम्हें एक डेजिग्नेशन से आप स्टार्ट करते हो देन यू डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस योर एक्सपीरियंस यू स्टार्ट गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर प्रमोशंस एक्सेट्रा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक है ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अगर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया क्या होगा अगर अगर तुम्हारा भाई अगर आज के महीने में बीमार हो गया ही नॉट बी एबल टू मेक रील्स आई नॉट गेट मनी राइट वो नहीं है तुम्हारे पास यू कैन टेक लीव्स यू कैन नॉट टेक लीव्स एज एन इन्फ्लुएंसर अगर आज मैं बीमार हो जाता आई कुड नॉट हैव कम ह्यर आई कुड नॉट हैव अटेंडेड दिस अमेजिंग सेशन एंड उसके वजह से सिर्फ मेरा ही नहीं कॉलेज का भी मॉनीटरी अदर नुकसान होते ही सो एज एन इन्फ्लुएंसर यू कैन नॉट डिस्काउंट दैट राइट देन देर आर लेस चांसेज ऑफ रिस्क क्यों अगर मैं जोश जोश में अभी कुछ भी बोल दूँ देट इज रॉन्ग अनपार्लियामेंट्री और समथिंग डेरोगेटरी कॉन्ट्रोवर्शियल तो क्या होगा एक कैमरा दो कैमरा camera, कितने कैमराज आई डोंट नो लाइव पीपल आर वॉचिंग लाइव स्ट्रीम हो रहा है आई है शेयर दिस ऑन माई इंस्टाग्राम पेज राइट एक गलती एंड योर रेप्यूटेशन विल गो डाउन विथ यू एज एन इन्फ्लुएंसर योर ब्रांड विल गो डाउन बट

Uh, so I am a working professional and I am in a company that is in the manufacturing industry. Okay. And I obviously love working there because it gives me exposure. But I don't want I didn't want to be associated with karna I mean, People only know me for the company I work for. For example, Amazon. So dude, this person works in Amazon. Dude, this person works in Google. सो आई डट टू डू दैट आई वॉट कि आई ऑल्सो वॉन्ट कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि पीपल नो मी फॉर वॉट आई एम क्या किया है इसने अचीवमेंट्स क्या किए हैं अगर कोई बोलेगा कि यार सौरभ तो अमेजोन में काम कर रहे हैं तो क्या होगा इसका मतलब कि मतलब काम कर रहा है ना क्या काम कर रहा है किसी को नहीं पता नो बडी नोज आई एम इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक है क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा पता नहीं वेन यूड से यार सौरभ इज एन इन्फ्लुएंसर So, they are going to check your page, they are going to check your channel, they are going to check your content. Now, you bola, bola ki he is doing this, that. I am sure at least 1 or 2% people might have checked or are going to check later on. I, this is my success, I would say. Right? And I am not still successful, I am still growing. So, this is you are getting on board on my journey. Right? How did my influencer journey begin?

सो आई स्टार्ट अ पेज ऑन इंस्टाग्राम आई एनालाइज्ड इट मैंने रियलाइज किया कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी स्पेस यहाँ पे आता है तुम्हारा एस टी पी एनालिस जो कि हम कॉरपोरेट लाइफ में कभी नहीं करते हैं वी डोंट डू एनी स्वाट एनालिसिस वी डोंट डू एनी एस टी पी एनालिसिस कोई पेस्टल एनालिसिस यूज नहीं होता यू वाई डू यू कम टू एन एम बी ए कॉलेज वो भी आगे आएगा बट बस इतना बता सकता हूँ कि ये सब एनालिसिस तुम्हारे ब्रेन को रिवायर कर देते हैं वाई यू आर एन एम बी ए कॉलेज

वॉट आई वॉन्टेड टू बी नोन फॉर वॉज मी माई सेल्फ ईगोइस्टिक नहीं हूँ मैं बट आई वॉन्टेड टू नो फॉर माई सेल्फ बिकॉज मेहनत मैंने खुद पर की है तो आई वॉन्टेड टू नो फॉर समथिंग दैट इज फॉर माई सेल्फ एंड इसीलिए देन आई स्टार्टेड अ पेज कॉल्ड एमबीआर कॉन्सेप्ट जहाँ पर मैं आई यूज टू गिव आउट लाइक स्मॉल आई यूज टू पोस्ट स्मॉल कंटेंट कि जैसे पोस्टिड्स होते हैं ना वैसे एक नोट्स होते हैं तो वैसे लिखता था एक कॉन्सेप्ट एंड उसका एक दो तीन लाइन का एक्सप्लेनेशन सो दिस इज वॉट मैंने वहाँ से शुरुआत की देन सडनली लाइक एज ए करते 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 इट वॉज अ स्लो ग्रोथ बट सडनली वन ऑफ माई रील्स वेंट वायरल एंड इट रीस्ट अराउंड थर्टी सिक्स मिलियन पीपल सो मतलब इट वॉज़ अबाउट वो ट्रेंड आया था इंस्टाग्राम पे कि ब्रांड अबाउट ब्रांड्स एंड स्टफ की इफ़ दिस ब्रांड रिस्पॉन्ड्स सो आई विल डू दिस एक ट्रेंड आया था सो so, मैंने किसी का रील देखा ओरिजिनल मेरा नहीं था आई विल बी ऑनेस्ट बट मैंने वो रील देखा किसी ने लिखा था इफ श्रद्धा कपूर रिस्पॉन्ड्स टू माई रील कमेंट्स ऑन दिस रील सो आई विल स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम टू नाइट मैंने बोला भाई सही है इतना बड़ा फैन कौन हो सकता है सो आई थॉट कि वाई डोंट आई डू समथिंग यूनिक अबाउट इट वाई डोंट आई हैव समथिंग दैट इज इक्वली एज इंटरेस्टिंग फॉर एम बी एस स्टूडेंट्स एंड क्यूरियोसिटी कैसे जगहों में लोगों में दैट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग सो वॉट आई डू आई क्रिएटेड रील बट इन अ डिफरेंट सेंस मैंने बोला कि गाइज इफ एनी ब्रांड कमेंट्स ऑन दिस रील आई विल इफ एनी ब्रांड कमेंट्स ऑन दिस रील आई विल बाय देर प्रोडक्ट्स फॉर एन एंटायर ईयर भाई बहुत फार फेस्ट था ये ड्रीम औकात के बाहर था आपको बोलने की जरूरत नहीं है कम से कम चार लाख कमेंट्स ने बोल दिया है वॉट हैपन्ड व एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे पता था कि मुझे कोई लीगल एस्पेक्ट्स में नहीं पढ़ना है लीगल प्रॉब्लम्स में was, में व्हाट आई डिड वाज मैंने ब्रैकेट छोटे में लिख दिया कि यार इट्स अ डेयर एंड नाउ आई एम ट्रैप्ड और फिर मैंने कमेंट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में कि गाइज हेल्प मी बाय नॉट शेयरिंग दिस रील बाय नॉट लाइकिंग दिस रील एंड डोंट कमेंट ऑन दिस रील क्या हुआ उसमें आई गॉट थर्टी मिलियन व्यूज बिकॉज रिवर्स साइकोलॉजी वर्कड सो दिस इज हाउ यू डू इट विदाउट गेटिंग इन टू लीगल ट्रवल्स सो वो हुआ एंड देन उसके बाद द ग्रोथ वॉज एक्सपोनेंशियल सो नाउ करेंटली आई एम स्टैंडिंग एट ट्वेंटी थाउजेंड फॉलोअर्स एंड होप फुली मोर टू ग्रो आई एम ऑल्सो पार्टनरिंग विद ऑफ स्पॉन्सरशिज इन द एटेक सेक्टर सो या दैट इज ऑल्सो अ थिंग नेक्स्ट लाइट प्लीज देखते हैं हाइपोथिटिकल सिनारियो चलो लेट टेक अ हाइपोथेटिकल सीनारियो अगर आपको मैं पूछूं कि आपका एम हो चुका है ठीक है हो गए एक दो साल हो गए कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क करते हुए आइडियल मतलब नॉर्मल सिनेरियो में एंड नाउ योर पेरेंट्स हे स्टार्टेड कि यार बेटा शादी कर लो अब तो उम्र हो रही है शादी कर लो जल्दी से शी विल ठीक है चलो तुमको अभी नहीं करनी कोई बात नहीं एक दो साल बाद कर लेना लेकिन हमें अभी से तो बताओ बेटा कि कैसी लड़की चाहिए कैसा लड़का चाहिए सो वॉट वुड भी द मोस्ट जेनेरिक आंसर्स आप देना चाहोगे एक मतलब नॉर्मल आई वुड रिक्वायर फ्रॉम यू एक दो आंसर्स की वॉट वुड वी द मोस्ट जेनरिक आंसर्स जो आप देना चाहोगे एनी बडी देखो गाइज आज इंफ्लुंसर सौरभ नहीं खड़ा है तुम्हारे सामने ठीक है आज वो कॉरपोरेट प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल सौरभ नहीं खड़ा है आप तुम्हारे सामने आज एक इक्वली यू नो स्ट्रेस्ड आउट एम बी ए स्टूडेंट खड़ा है तुम्हारा भाई खड़ा है आज तुम्हारे सामने बिकॉज यही चीज़ है कि एम बी ए करते करते हम अभी मुझे देखो तुम्हारे कॉलेज वालों ने इतना तो बता दिया है कि दीज पीपल हैव बीन ट्रेनड इन सच ए वे कि दे आर एक्स्ट्रा वर्ट्स नाउ ठीक है कि नाउ दे कैन हैंडल एनी एम्बेरसिंग सीनारी दिन को ऐसे स्टेज पे खड़ा करके बात करवा दो कर लेंगे तो अब तुम्हारी बारी है गई इफ यू बीन आस्ड कि व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू वांट जेनरिक आंसर सो वॉट वुड दैट बी एजुकेटेड ओके ओके एफ्लुएंट फैमिली यस रिस्पेक्टफुल ओके गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ओके आई हैव हाँ ठीक है आई हैव गॉटन अमेजिंग रिस्पॉन्स जेनरिक ही चाहिए थे सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब अब टेल मी वन थिंग ये जो आपने रिस्पॉन्स दिए एजुकेटेड एफ्लुएंट किससे रिलेट करके दिया है कुछ है आपके पास डेटा टू तो पैकेटअप जनरिक है ना क्यों है बिकॉज वी आर एजुकेटेड वी आर डूइंग एवर एम बी ए सो वी वॉन्ट एन पर्सन पर्सन हु इज ईदर एज एजुकेटेड और मोर एजुकेटेड अस इट इज ऑब्वियस इफ वी हैव दिस एक्स अमाउंट ऑफ मनी वी वुड वियसली वॉन्ट अ गुड फ्यूचर फॉर अस तो उससे ज्यादा हुआ इक्वल हुआ दैट इज फाइन किसी ने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर अगर हम फनी हैं इफ वी आर एबल टू मेक पीपल लाफ तो ये भी होना चाहिए ना यार कि कोई आप जोक करो और कोई हंसे नहीं है करना तो चाहिए कोई होना चाहिए सो दैट इज़ द थिंग एंड इसीलिए वेन यू आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस सो यू ऑलवेज नीड टू हैव पीपल यू ऑलवेज नीड टू हैव सर्टन बेंच मार्क्स सर्टन लिमिट्स कि अगर मैं मेरे पास इतना पैसा है मेरा इतना एम मैंने किया है एजुकेशन है तो देन आई विल डू व दिस एक्सपेक्टेशन इवन इन सेल्स ये भी है ये आगे आएगा आई विल रिमाइंड यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओके सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी नो योर सेल्फर्स्ट इवन इन सेल्स द फर्स्ट बेसिक थिंग इज कि तुम्हें खुद को जानना जरूरी है यू हैव टू नो योर सेल्फ बहुत अच्छे से अगर आप शादी करने आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप यही बोलोगे ना यार मम्मा अभी कैसे करूं मैं मैं अभी रेडी नहीं हूं दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग आईव हर्ड इन वेब सीरीज ऑल्सो मूवीज ऑल्सो वैसे मैं भी रेडी नहीं हूँ मेरी शादी अभी मत मुझे करनी भी नहीं है सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो योर सेल्फ फर्स्ट इन सिमिलर लाइन्स अलॉन्ग सिमिलर लाइन्स यू हैव टू नो योर प्रोडक्ट फर्स्ट यू हैव टू मैरी योर कंपनी यू हैव टू फर्स्ट नो कि आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन क्या हैं आपके प्रोडक्ट का uh, ये क्या है डायमेंशन क्या है उनकी यूटिलिटीज क्या है राइट right?